मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग उसके पहले चैप्टर 10 पढ़ लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर 11, जो कि है कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ईमेल के बारे में पढ़ना है कि ईमेल क्या होता है। ठीक है, ईमेल के क्या फ़ायदे हैं, उनसे क्या नुकसान होता है, ईमेल कैसे हम लोग बना सकते हैं, ईमेल एड्रेस क्या होता है। ठीक है, ईमेल कौन कौन देता है। ठीक है, उसमें जीमेल है, उसके बारे में हम ज़्यादा जानते होंगे, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ईमेल को कैसे किया जाता है और सारी चीज़ें। ठीक है, हम लोग आज का जो वीडियो शुरू करते हैं, हम लोग को जो पॉइंट्स कवर करना है, ईमेल के बारे में जानना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस के बारे में जानना है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे पूरा, एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ईमेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, एक ऐसा मेल, एक ऐसा मैसेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं वहाँ पे, जैसे आप कंप्यूटर का, ठीक है, फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसको उसको क्या बोलते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी ईमेल में जो है, जैसे आप ईमेल होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं मोबाइल से, ठीक है, या फिर आप चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं, लेटर, ठीक है, या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं समथिंग, स्पीच पोस्ट। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और उसी तरह से एक ईमेल होता है जिसको आप इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से, ठीक है, आप उसका जो भी आपको ईमेल दे रहा हो, तो उसका आप सर यूज करके आप किसी दूसरे को, ठीक है, जिसका ईमेल एड्रेस होगा, उसको आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे लोग को भेज सकते हैं एक साथ, अगर चाहें तो आप एक लोग को या दो लोग को या दस लोग को, सौ लोग को, वो आपके ऊपर है, तो आप लिमिट उसकी नहीं है, आप उसको बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। प्लस इसमें फ़ायदा और क्या है कि आप इसको कहीं भी, जैसे मतलब आप इंडिया में हैं, आपको अमेरिका वाले पास भेजना हो, तो आप ईमेल तुरंत उसको भेज सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खासियत कि आपको ईमेल भेजने के लिए अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, वो फ्री है, जो ईमेल की सर्विस है वो ऑलमोस्ट फ्री है, बहुत ही सस्ती है, बस आपको इंटरनेट का जो होगा वो देखना पड़ेगा। तो आप ईमेल भेज सकते हैं, आप अमेरिका वाले पास भेजते हैं तो भी वो तुरंत, ठीक है, तो बहुत फास्ट भी होता है, तुरंत चला जाएगा, एक दो सेकंड के अंदर वो पहुंच जाता है। ठीक है, हम देखते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस क्या होता है कि जितने भी यूजर होते हैं, ठीक है, तो सबका एक अलग अलग, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आप सबका घर का एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, तभी तो आपके घर पे कुछ कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा चिट्ठी लेटर कुछ पहुँच सकता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जितने भी लोग अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं, वो सारा ईमेल एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक है, ताकि अगर कोई दूसरे को मतलब ईमेल भेजना हो, तो वो वहाँ से उस तरह से भेज सके। अगर एक ही तरह का सब लोग का हो जाएगा, तो वो किसको भेजेगा, मतलब आपको भेजा, आपके दोस्त के पास चला गया, किसी और के पास चला गया, तो अच्छा तो नहीं रहेगा ना। इसलिए जो ईमेल एड्रेस है वो सारे लोग के लिए अलग अलग रहता है। ठीक, आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस होता है आप खुद बनाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, तो ईमेल एड्रेस होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एड्रेस होता है, और इसके बाद डोमेन नेम होता है। तो मेनली ईमेल में जो है तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, यूजर नेम। ठीक है, ये यूजर नेम जो होता है वो आप लोग खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो अकाउंट बनाने में क्या होगा कि हमें यूजर नेम खुद ही, वो जैसे आपको जो भी आपका नाम होगा, राहुल, अमित, सुमित, जो भी है, तो आप उसको लिख के उसके बाद कुछ नंबर दे सकते हैं, या फिर क्योंकि क्या है, अभी मेरे सिर्फ गोपाल लिखते हैं या फिर सिर्फ राहुल लिख देते हैं, तो अभी राहुल कितने होंगे, पूरे इंडिया में बहुत सारे राहुल होंगे, तो हो सकता है किसी ने राहुल पहले से ले लिया हो। अब राहुल अगर उसका ले चुका है, तो मैं राहुल तो नहीं लिख सकता, अगर मैं राहुल लिखूंगा तो फिर दोनों का मैच करने लगेगा, तो इसलिए साथ में कोई नंबर या कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ताकि उसका और मेरा जो यूनिक रहे, अलग अलग रहे, तभी मेरे पे मैसेज आ पाएगा, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो यूजर नेम जो कि आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, पीरियड यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एट द रेट, ठीक है, तो एट द रेट हमेशा फिक्स रहेगा, बीच में आएगा, और उसके बाद आता है डोमेन नेम। ठीक है, अब डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम आप जहाँ भी ये बनाएंगे अपना ईमेल अकाउंट, जिस भी सर्वर पे बनाएंगे, जिस भी कंपनी बनाएंगे, जिस भी जहाँ पे जाके, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हमने कहाँ बनाया है, गूगल पे, गूगल का ये जो जीमेल है उस पे बनाया है, तो यहाँ पे क्या, gmail.com। उस तरह से और भी हॉटमेल होता है, रेडिफ मेल होता है, ठीक है, MSN है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइव है, तो वो .com, .com, .in, .e सब करके आता है। तो ये आपको नहीं चूज करना पड़ेगा, आप जहाँ पे बनाएंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि आपने जो अपना ईमेल बनाया है वो किस सर्वर पे बनाया है। तो एड्रेस जो होगा हमेशा डोमेन नेम और यूजर नेम के बीच में होगा। आप एड्रेस के पहले जो भी है, यूजर नेम है
और एट द रेट के बाद जो भी है डोमेन नेम है, तो इस तरह से इसके तीन पार्ट है, यूजर नेम, एट द रेट, डोमेन नेम, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे क्या है ईमेल का एडवांटेज, लो कॉस्ट, ठीक है, मतलब बहुत ही सस्ता है एकदम, आप मतलब इंटरनेट का आपको जो भी पैसा लग रहा हो, ठीक है, और इंटरनेट भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ईमेल भेजने में एक जीबी या दस रुपये कुछ लग जाएंगे, ठीक है, आप अगर एक ईमेल भेजते भी हैं तो आपको दो चार एमबी या कुछ केबी, ठीक है, दो चार केबी मतलब आप अगर चाहे तो एक एमबी में भी 500 ईमेल भेज सकते हैं, तो इतना मतलब कम डाटा यूज करता है और सस्ता भी है बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से आपको जो ईमेल आईडी है डार्क हम लोग ईमेल एड्रेस उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, ये भी फ्री है बिल्कुल भी, ठीक है, आप आराम से कोई नहीं आप बना उसको सॉरी ईमेल एड्रेस जो आप उसको बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अभी और का एडवांटेज है फास्ट है बहुत, ठीक है, उसकी स्पीड, आपको अगर कोई मैसेज भेज रहे हो तो टाइम लगेगा, या फिर आप चिट्ठी भेज रहे हो तो उसमें दो तीन दिन पहुँचने में टाइम लगता है, स्पीड पोस्ट है तो एक दिन टाइम लगेगा, ठीक है, तो लेकिन ईमेल में क्या है, आप ईमेल अगर भेजते हैं तो कुछ सेकेंड के अंदर, ठीक है, यहाँ तक कि एक सेकेंड के अंदर भी, मिली सेकेंड भी नहीं होगा, और तुरंत वो ईमेल पहुँच जाता है, ठीक है, तो बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत ईजी है मतलब यूज करने के लिए, आपको बस मोबाइल चाहिए या फिर आप लैपटॉप चाहिए, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी है तो आप आराम से उसको जा सकते हैं और आप अपना अकाउंट बनाकर तुरंत यूज कर सकते हैं, आपको इसके लिए मतलब किसी टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है कि आपको मतलब किसी से अपना ईमेल बनवाना पड़ेगा या समथिंग, आप बहुत ही आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे वेस्ट रिडक्शन भी होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लेटर लिखते हैं तो लेटर में आप कागज़ का यूज करते हैं, ठीक है, पेन का यूज करते हो तो आप उसके लिए फिर वो चिट्ठी जाती फिर पूरा रास्ता घूमता फिर वहाँ पे चिट्ठी पढ़ के फेंका था, मतलब वो जो होता है कागज़ का ज़्यादा यूज होता है, तो उससे क्या होता है वेस्ट मटेरियल बढ़ता। लेकिन अभी हम ईमेल भेजें तो ईमेल को कॉपी पेन पर भेजने की जरूरत है नहीं, हम सीधा उसको कंप्यूटर भेजें कंप्यूटर पर चला गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कॉपी पेन सब बचेगा, तो वेस्ट जो रिडक्शन होगा अभी नहीं होगा, ठीक है, कम होगा पॉल्यूशन। अभी हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं, डिसएडवांटेज सिर्फ यही है ईमेल का, ठीक है, कि आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए बस, और बाकी ज़्यादा कोई डिसएडवांटेज इसका नहीं है, क्योंकि ईमेल आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा इसी वजह से, क्योंकि इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, तो इसका नुकसान बहुत कम, बस यही है कि आपको इंटरनेट चाहिए। अगर मान लीजिए किसी पास फ़ोन नहीं है, अभी फ़ोन की बात तो होती नहीं है, नॉर्मली सबके पास फ़ोन हो जाता है, अगर इंटरनेट कभी कवर नहीं होता है, ठीक है, जैसे कभी दूर एरिया में जंगल में है तो वहाँ पे आप ईमेल उसको नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका हल्का सा नुकसान होता है। आज के लिए हम लोग बस नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग, ठीक है, ईमेल एड्रेस बनाते कैसे हैं, उसमें इनबॉक्स क्या होता है, मेल जो ईमेल होता है कैसे किसी को भेज सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।